वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। क्लीन बॉटल की सबसे पहले सरफेस तैयार करते हैं। उसके लिए टैल्कम पाउडर लेंगे, उसमें डालेंगे फेविकॉल, थोड़ा सा कलर, एक्रेलिक कलर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा और ये हो गया हमारा होममेड जेसो रेडी। मेरे कलेक्शन का ये मैगजीन कटिंग है, इसके एजेस को फाड़ लेते हैं रफली। बॉटल के इस तरह एक मार्किंग है, तो यहाँ पे स्टिक नहीं कर रही हूँ। जो अपोजिट साइड है ना, ये वाला, ये प्लेन है, इसमें स्टिक करेंगे इस पिक्चर को। इसके लिए अच्छे से लिबरल क्वांटिटी में हमने इसके ऊपर मॉट पॉज ग्लू लगा देना है। बबल्स निकालने के लिए इस तरह सेलोफिन पेपर से अच्छे से हमने प्रेस करना है, तो पूरा यूनिफॉर्मली चिपक जाएगा। उसके ऊपर फिर से मॉट पॉच लगा देना है ताकि ये सील हो जाए। अब एक रेगुलर टिश्यू पेपर लेना है और इसके पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेने हैं। लेटली आई रियलाइज कि मैं ना संजय लीला भंसाली थीम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जहाँ भी ऐसा पल्ला वल्ला दिखता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है पल्ला बहुत लेंदी हो जाए। तो फिलहाल मेरा फेवरेट पार्ट ये है जहाँ आधा पानी में है ये बॉडी जो है, बाकी जो पल्ला है उसे मैंने सोचा है कि एक्सटेंड कर देती हूँ। पल्ला एक्सटेंड करने के लिए उसी टिश्यू पेपर को हमने इस तरह से हल्का सा गीला कर लेना है और फिर फेविकॉल लगा के पल्ले वाले एरिया में जहाँ जहाँ हमें इसे एक्सटेंड करना है, इस टिश्यू पेपर को हमने चिपकाते जाना है। देखा ये कितने ईजीली चिपक गया। अब इसे थोड़ा और मजबूत करने के लिए इसके ऊपर हमने फिर से मॉट पॉज ग्लू लगा देना है। अब अपोजिट वाले साइड में मैंने एक कोट लिखा है, तो कोट पहले पेपर में लिख लिया ताकि हैंडराइटिंग खराब ना हो और फिर उसे हम ट्रेस कर लेंगे। इसमें मैंने लिखा है यद भावो तद भवति, मतलब द बिलीव्स यू होल्ड आर व्हाट यू बिकम, जैसी धारणा वैसे आप। कोट में थ्री डायमेंशनल इफेक्ट के लिए मैं इसे सेरेमिक के रेडीमेड कोन से एनहांस कर रही हूँ। आप चाहें तो ये खुद भी बना सकते हैं, बाकी इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। जैसे हमने बेस बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है इस कोन के पेस्ट को। बस आपको टैल्कम पाउडर के बदले सेरेमिक पाउडर लेना है और थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। दैट्स इट।
पिक्चर में जो कलर है उसे ही हमने एक्सटेंड करने का प्लान किया है, तो एग्जैक्ट सेम कलर मुझे चौक पेंट में मिल गया और ये टर्कोइज कलर है इमिक्स का। ये भी इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ब्रश की मदद से जो लिखा हुआ हिस्सा है उसमें पेंट कर रही हूँ ताकि कोने कोने तक पेंट चला जाए, और बाकी को स्पॉन्ज की मदद से करना है ताकि वो डैप करके हम करें और कोई भी ब्रश स्ट्रोक ना दिखाई दे। जो टिश्यू पेपर था वो तो साड़ी का पल्ला है, तो उसमें थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं ताकि अच्छे से एनहांस हो और वो फीका फीका सा ना लगे। बॉर्डर बनाएंगे सेम जैसे साड़ी में है रेड बॉर्डर। इन अल्फाबेट्स को थोड़ा सा एनहांस करते हैं, ड्राई ब्रश में कॉपर कलर लेकर हल्का हल्का इस तरह से चला लेते हैं। ज़रा सी डिटेलिंग करेंगे परमानेंट मार्कर से इस तरह से ताकि जो फ्लो ऑफ क्लॉथ है वो दिखता रहे। और बस इसके ऊपर वार्निश कर देना है और लीजिए जी, एक ब्यूटीफुल सा वास तैयार हो गया है। इसे किसी भी कॉर्नर में रखेंगे तो ये उस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और पसंद ना आए तो डिसलाइक बटन को दबाइए। कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सभी में मैं रिप्लाई कर सकूँ। Thank you so much for watching and giving your time. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye-bye.